हेलो दोस्तों, तो आप सबका स्वागत है मेरे इस डॉक्टर अरशद अली चैनल पे। और आज हम आपको बताएंगे कि दिल्ली से पटना कैसे जाएंगे, क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं, क्या क्या परेशानियां हो सकती है, कैसे बोर्डिंग पास लेना है, कैसे टिकट बनाना है, कैसे अपने लगेज को जमा कराना है और फिर पटना में आप कैसे उसको प्राप्त करेंगे। तो सारी चीज़ें हम आपको आज बताने वाले हैं पूरी डिटेल्स में। तो अब हमारी जर्नी शुरुआत हो चुकी है और हम अपने रूम से निकल चुके हैं। अभी आप देख सकते हैं हम दिल्ली के एरो सिटी में पहुँचे हैं और जल्द ही एयरपोर्ट पहुँचने वाले हैं। अभी हम कैब में हैं और फाइनली अब हम एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं टर्मिनल 2 पे हम पहुंच चुके हैं। तो ये है दिल्ली का टर्मिनल 2, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट टर्मिनल 2। यहाँ से डिपार्चर करते हैं, जो भी डोमेस्टिक फ्लाइट जिनको भी लेना होता है, तो ये डिपार्चर गेट है। और फाइनली अब हम अपने कैब से उतर चुके हैं और टर्मिनल 2 डिपार्चर की तरफ बढ़ते हुए हम गेट नंबर 1 से एंट्री लेंगे। और काफ़ी भीड़ है यहाँ पे। अब हम अंदर आ चुके हैं एंट्री लेके और यहाँ पे हम देखेंगे इंडिगो की फ़्लाइट कहाँ से जाती है, गो फर्स्ट। और गो फर्स्ट के काउंटर पे जाके हम अपना लगेज देंगे, वहाँ से बोर्डिंग पास लेंगे। और ये मेरा लगेज है और फाइनली बोर्डिंग पास मिल गया। अब हम आगे की तरफ प्रस्थान करेंगे और यहाँ पे हम अपना सिक्योरिटी चेक इन कराते हुए यहाँ पे हम अपना बेल्ट, पर्स वगैरह, जो भी लैपटॉप वगैरह होता है वो हम चेक करवाते हैं और फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। और आगे बढ़ते ही जैसे हम देखेंगे बहुत सारे शॉपिंग्स के लिए आपके पास ऑप्शन रहते हैं, आप बहुत सारे सामान खरीद सकते हैं। काफ़ी बड़ा एयरपोर्ट है टर्मिनल 2, यहाँ से डोमेस्टिक लगभग हर राज्य की फ़्लाइटें आपको मिलेंगी, चाहे वो दिल्ली से रांची जाना हो, पटना जाना हो, मुंबई जाना हो, कश्मीर जाना हो, तमाम तरह की फ़्लाइटें यहाँ अवेलेबल होती हैं। काफ़ी भीड़ रहता है हमेशा इस एयरपोर्ट पे, यह देश का सबसे व्यस्त रहने वाला एयरपोर्ट है। तो अब हम चलते हैं वेटिंग एरिया की तरफ, क्योंकि हमने बोर्डिंग पास भी ले लिया है, अपना लगेज भी जमा करा दिया है। अब बस हमें इंतज़ार है उड़ान भरने की। हमारे उड़ान में अभी करीब करीब 2 से 3 घंटे का समय है। और ये डिस्प्ले है जहां आप आसानी से देख सकते हैं आपकी फ़्लाइट कौन से गेट से प्रस्थान करेगी और कितने बजे करेगी। अब हम अपने फ्लाइट में बैठने के लिए एक कतार होती है, उस कतार में लग के हमें अंदर जाना होता है, अपना बोर्डिंग पास दिखाना होता है। अब हम अपना बोर्डिंग पास दिखा के अंदर आ चुके हैं फ्लाइट के। और हम अपना जो कैरी बैग होता है, जो करीब करीब 7 kg का होता है, आपको अपने साथ उसे यात्रा में रखना होता है या आप उसे ले जा सकते हैं अपने साथ। बाकी के जो भी बैगेज होते हैं 15 kg लिमिट होता है, ट्रॉली बैग या जो भी आप लगेज लेते हैं, और हैंड बैग जो होता है वो 7 kg का होता है, जो कि आप यहाँ ऊपर रख सकते हैं। जैसा आप देख सकते हैं बहुत सारे लोगों ने अपना बैग रखा हुआ है। और जो 15 kg का ट्रॉली बैग या जो भी लगेज आपका सामान होता है, वो जहाँ से आप बोर्डिंग पास लेते हैं वहीं पर जमा कराना होता है आपको। अगर आपके पास ज़्यादा सामान हो तो उसके अलग से आपको चार्जेस देने पड़ते हैं। और ये रनवे पे हमारा फ़्लाइट दौड़ते हुए, और अब हम टेक ऑफ कर चुके हैं दिल्ली से, अलविदा कहते हुए इस प्यारे से खूबसूरत दिल्ली को। हम अपने शहर बिहार पटना में उतरेंगे और वहाँ का भी हम आपको नज़ारा दिखाएंगे। आसमान में ये नीले बादल इशारा कर रहे हैं आपकी अच्छे सफ़र की और नई शुरुआत की। शाम हो चुकी है क्योंकि हमारा फ़्लाइट शाम में ही था, तो कुछ देर बाद अंधेरा होना ही था और अंधेरा हो चुका है। और ये आसमान के बादल नीले से काले हो चुके हैं और ये धरती पे दिख रहे खूबसूरत नज़ारा। अब हम लैंड कर चुके हैं पटना में, यानी बिहार अपनी दुनिया में। हम बिहारवासी, बिहार के पटना पर आते ही ख़ुद में एक अलग सी गर्व महसूस होने लगती है। और ये पटना एयरपोर्ट का नज़ारा है, काफ़ी खूबसूरत लाइटिंग आपको देखने को मिल सकती है। अब हम नीचे की तरफ जा रहे हैं,
जहाँ से हमें अपना लगेज जो हमने वहाँ दिल्ली में जमा कराया था, जो कि करीब करीब 14 kg 900 ग्राम था, वो हम यहाँ प्राप्त करेंगे। उसके लिए हमें बताया जाएगा कि कौन से नंबर पे आपको, कितने नंबर पे आपको लगेज काउंटर पे आपका लगेज मिलेगा। अब यहाँ हम उतर चुके हैं और हम आपको दिखाते हैं पटना यानी जयप्रकाश नारायण एयरपोर्ट। आप देख सकते हैं सामने एक बोर्ड लगी हुई है ब्लू कलर की, जहाँ पे साफ साफ लिखा है जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय विमानपथ पटना। तो आपका स्वागत है पटना में। चलिए हम आपको पटना का सैर कराते हैं और ये आगमन यानी अराइवल, यहाँ आप पहुँचते हैं और यहीं से अंदर जाते ही आपको वो काउंटर दिखेगा जहाँ आप अपना लगेज को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये है बेल्ट नंबर 2 और हमारी जो लगेज मिलेंगी वो बेल्ट नंबर 3 से मिलेंगी। तो ये जो आप तीसरे नंबर पे आगे से देख रहे हैं, ये है हमारी लगेज जो हमने वहाँ दिल्ली में जमा कराई थी और ये हम प्राप्त कर चुके हैं। अपना सफारी का बैग है, काफ़ी मजबूत होता है। चलिए अब बाहर की तरफ चलते हैं। हमारी सफल तो मंगलमय रही, अब आगे की सफ़र कैसी होती है मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। पटना एयरपोर्ट ज़्यादा बड़ा तो नहीं है, लेकिन जितना भी बड़ा है हमारे लिए अच्छा है, ताकि हम आसानी से घर पहुँच जाते हैं कम समय में। यहाँ कुछ पेड़ पौधों का भी ध्यान रखा गया है हरियाली को लेके, क्योंकि दिल्ली में तो आपको पता ही है पेड़ पौधे बहुत कम हैं, पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है। और ये रहा पटना एयरपोर्ट के बाहर का दृश्य, क्या खूबसूरत नज़ारा है। बिहार की रोशनी अलग होती है और ये जो चमचमाहट जो हम देख रहे हैं सामने पटना एयरपोर्ट पे, काफ़ी अपनापन सा लग रहा है कि हाँ अब हम घर लौट चुके हैं। और शायद आज कोई VIP लीडर आने वाला था, तो काफ़ी भीड़ था। और ये हम बाहर निकल के जो पटना का आपको दृश्य दिखा रहे हैं, ये गांधी मैदान की तरफ हम जा रहे हैं, सामने आप खादी मॉल देख सकते हैं। और हमारा सफ़र यहाँ तक रहा दोस्तों। अगर आपको कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम आगे की वीडियो में आपको डिटेल्स में उस चीज़ को दिखाएंगे और समझाएंगे। वीडियो प्यारा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका दोस्त अरशद अली खान, धन्यवाद बहुत बहुत आपका इस ब्लॉग को देखने के लिए। थैंक यू सो मच।